कोई दर मिले जो दर दे दिल की दवा दे। I'm sorry, आपका नंबर मिल सकता है? ये क्या बदतमीजी है? देखें, नाराज क्यों हो रही हैं आप? आप गलत क्यों समझ रही हैं? सिर्फ नंबर ही तो मांगा है। शमसा पप्पू की कॉल आई थी, वो लोग कल आ रहे हैं। क्या? हमी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। फुप्पो आ रही है तलहा और लुबना का रिश्ता तय करने। अब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। लुबना, क्या ढूंढ रही हो? यार मेरी हील्स पता नहीं कहाँ चली गई। मिली, छोड़ दो इन चीजों को, पहले मेरी बात सुनो। क्या हुआ है? तुम्हें पता है आज ऑफिस में क्या हुआ था? नहीं अभी तक तो नहीं पता, लेकिन तुम बताओगे तो जरूर पता चल जाएगा। वो अरे ये क्या, तुम दोनों अभी तक यहीं बैठकर बातें कर रही हो, जाना नहीं है क्या? और लुबना, तुमने वो काम वाला जोड़ा निकाल लिया है ना? जी मैंने निकाल के प्रेस करके अलमारी में लटका दिया। और वो सेट लाजमी पहना जो उस दिन हमने मीना बाजार से खरीदा था। और जैसे ही फुफ्फो बोले ना कि रस्में करनी है, जाके फौरन कपड़े चेंज करके आ जाना, ठीक है? और हाँ, वो लाल वाला दुपट्टा अगर तुमने सर से उतारा ना शादी में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है आप जैसा बोलेंगी वैसा ही कर दूंगी। ठीक है, पर तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उठो भाई, किचन में मेरी हेल्प करवाओ, ससुराल में भी काम करो, घर में आके भी काम करो। चलो उठो। आप ही बस आती हूँ। क्या आई, ये क्या रुखसत होकर जा रही है? बाद में कर लेना बातें, वैसे भी तुम दोनों उल्लुओं की तरह पूरी रात जागती रहती हो। और हाँ, अल्लाह का वास्ता है, फुफ्फो के सामने ना हंस हंस के दांत मत निकालना तुम लुबना। जानती हो ना वो तुम्हारी होने वाली सास है। एक बात याद रखना, अल्लाह माफ कर देता है लेकिन सास कभी माफ नहीं करती। कोई गलती हो जाए ना, बरसों की ना अपने दिल में छुपा कर रखती हैं, और थोड़े थोड़े दिनों बाद ना सारा गुस्सा निकालती रहती हैं। आप ही बस चले अब किचन में। अरे हाँ, तुम दोनों ने भी मुझे बातों में लगा दिया अपने साथ साथ। चलो भाई उठो, तैयारी करो, हेल्प भी करवाओ मेरी। उठो। शमसा, पूरे 15 महीने के बाद भाई के घर आई हो तुम। क्या बताऊं हयात भाई, फुर्सत ही नहीं मिलती। अब ये भी रहने दो, जो खानदान का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे तुम्हारे ही सैर सपाटों की तस्वीर आती रहती हैं। अरे वो तो तलहा डाल देता होगा, मुझे तो आपको पता है इस बातों का शौक ही नहीं है। अरे सच सच क्यों नहीं कह देती शमसा, कि गरीब भाई के अलावा सबसे मिलती जुलती रहती हो। अब तो आप लड़ाई वाली बात कर रहे हैं हयात भाई। कसम ले ले 6 महीने हो गए जो मैं किसी खानदान वाले से मिली हूँ। मेरे तो अपने ससुराल वालों की शादियां और मेहमानदारियां ही मुझे जीने नहीं देती। आप बस कर देना अभी, अब तुम जानती तो हो अपने भाई को, छोड़ो। अरे भाई ऐसे मौकों पर तो इकबाल का शेर ही याद आता है, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। अरे खानदान के बगैर इंसान जो है वो बहुत अकेला और तन्हा हो जाता है। अभी आजकल तो इंसान मोबाइल और इंटरनेट के बगैर बिल्कुल अकेला है, बल्कि यूं कहिए बिल्कुल बेआसरा है, अजियत का शिकार हो जाता है। क्यों पप्पो, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरे अकबर बेटा, तुमने 100 आने बात सही की है भाई, मेरा तो दिल खुश कर दिया। तुम तलहा और असलम भाई को भी ले आती ना साथ? भाभी असलम के ऑफिस से कॉल आ गई थी, उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया और खुद ऑफिस चले गए। और तलहा तो बहुत ही मसरूफ रहते हैं। असल में वो उसके ददियाली कजन आए हुए ना दुबई से, अमेरिका से, बस हल्ले गुल्ले में लगा रहते सारा दिन। अरे भाई ये सामिया अभी तक चाय क्यों नहीं लेकर आई? बस ला रही होंगी, बना रही थी चाय। अच्छा अच्छा, भाभी वो सामिया के कहीं रिश्ते की बात हुई? हाँ आ रहे हैं रिश्ते, लेकिन समझ नहीं आ रहा अभी कोई। चले अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आमीन। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, पुप्पो अकेली क्यों आई है? वैसे तो बड़ी अमीर बनती फिरती हैं, और बेटे का रिश्ता तय करने आई है वो भी इतने छोटे से मिठाई के डब्बे के साथ। आप ही, आपको किसने कह दिया कि वो लुबना और तलहा का रिश्ता पक्का करने आई थी? उन्होंने सिर्फ फोन पर बताया था कि वो आएंगी, और आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। एक बात बताऊं, शादी वाले दिन मैंने ही जाकर चुपचाप बात की थी सगीरा दादी से, साफ कह दिया था मैंने, बात करें पुप्पो से
कि आकर अब्बी से बात करें? भाई हम तो लड़की वाले हैं, डायरेक्ट जाके थोड़ी कहेंगे हमारी बेटी का रिश्ता ले लो। अब्बी को पता चल गया पता है ना, नाराज हो जाएंगे। ये बात तो तुम्हारे और मेरे दरमियान है, मैं तो अब्बी को कभी भी नहीं बताऊंगी। सामिया तो मेरी अच्छी बहन हो ना, तुम तो नहीं बता दोगी? मैं क्यों बताऊंगी उन्हें? तुमने देखा सगीरा दादी से बात करने का कितना फायदा हुआ है? उन्होंने फुफ्फो से बात की थी और कहा था कि आकर अब्बी से डायरेक्ट बात करेंगे तलहा और लुबना की शादी की, और देख लो फुफ्फो यहाँ बैठी हैं, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ। मेरा तो दिल कह रहा है साबिया, लुबना और तलहा की तारीख लेकर ही जाएंगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तजर्बे की रोशनी में तुम्हें बता रहा हूँ, शादी के बाद अपनी दीदी को लेके बाहर शिफ्ट हो जाता है, यही उम्र होती है पैसे कमाने की कुछ बनाने की। बीवियों के हाथों में होते हैं सुराख, इधर पैसे दिए उधर दोबारा तकादा शुरू। इनकी बातों में ना आ जाना बेटा, ये नहायत ही कंजूस इंसान है, सारी जिंदगी इन्होंने ना पैसे को दांतों में दबा के रखा। अगर मैंने दांतों में पैसा दबा के ना रखा होता ना तो सारा पैसा तुम इसी तरह उड़ा देती। ये ऐशो आराम ये घर कुछ भी ना होता, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिल गया बैठे बिठाए। अच्छा ये ऐश जो है ना मेरे बेटे की वजह से है, ये तो अल्लाह ने इसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। आमीन सुभान। फातिमा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ थोड़ी बहुत दुआ जो है अपने दूसरे बेटे के लिए भी मांगिए करो। सुबह सुबह काला कोट पहन के निकल जाता है, अबे रात को मोहतरम जो है अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करते पाए जाते हैं। शुक्र अदा करें कि किसी काम धंधे पे लगा हुआ है। अच्छा सुनो वो मिसेस इशरत का फोन आया था, वो कह रही थी कि बहुत अच्छी लड़की उन्होंने तुम्हारे लिए पसंद की है, तुम जरा शाम में जल्दी आ जाना तो हम वहाँ जाके दिखाएंगे। मुझे भी शादी नहीं करनी है। एक मिनट 32 साल के हो गए यार, और तुम्हारी उम्र में मेरे दो बच्चे थे भाई। पापा मैंने आपसे कहा ना अभी मुझे शादी नहीं करनी, जो वक्त आएगा तो फिर कर लेंगे। मेरी बात सुनो, इस तरह समझाया इसको भी काबू में तो नहीं आ रहा मेरे। एक काम कर दो, हम लड़की देखने शुरू कर देते हैं, लड़की समझ में आ गई ना तो हम बात आगे बढ़ा देंगे। अभी तो वो कह के गया है कि उसने शादी नहीं करनी है, अब मैं जबरदस्ती तो अपनी मर्जी उस पर ठोंस नहीं सकती ना। अगर भाई तैयार नहीं है तो मैं तो तैयार हूं ना, मेरी शादी करवा दे। शादी करने के बाद बीवी की जिम्मेदारी होती है, तुम पहले अपनी जिम्मेदारी तो उठा लो। जाओ लगे फ्रेश हो। अरे शमसा तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, ये बिस्किट तो खाओ ना। अरे भाभी आप भी अम्मा की तरह, ये भी खा लो ये भी खा लो ये भी खा लो। चले मैं ले लेती हूँ। अरे शमसा तुम खाने के वक्त आती है तो हमारी बेगम के हाथ के पके हुए लजीज खाने खाने को मिलते, और तुम्हें तो पता है कि शाइस्ता जो है अम्मी से भी बहुत अच्छे खाने पकाती है। और अगर हयात भाई अभी अम्मा होती ना तो फौरन ही जर मुरीद का ताना दे देती हैं आपको। फूफो मुझे आपसे बहुत गिला है, आप इतने दिनों बाद क्यों आती हैं? देखा आपके आने से घर में कितनी रौनक आ गई है, जल्दी जल्दी आया करें ना। हाँ हाँ बेटा इंशाल्लाह क्यों नहीं। अरे लो जो बात बतानी आई थी वो तो भूल ही गई। वो भाई मैंने तलहा का रिश्ता पक्का कर दिया, बल्कि मैंने क्या कर दिया, उसने तो लड़की खुद ही पसंद कर ली। बहुत बहुत मुबारक हो फूफो, मेरी तरफ से भी तला को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा आप। हाँ 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 बेटा तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, बता दूंगी उसे। हाँ शमसा तुम्हें बहुत मुबारक हो, अल्लाह बच्चों के नसीब अच्छे करे। ए फूफो हमें भी तो पता चले आखिर तलहा ने किसको पसंद किया है। अरे वो उस दिन शादी में आई थी ना जो लड़की, मिलवाया तो था मैंने तुमसे, वो रिदा। अच्छा वो
जो सबके सामने बेतकल्लुफी से नाच रही थी, तलहा ने उसे पसंद किया है, उसे बहू बनाने जा रही हैं। देखो तबस्सुम, अब वो मेरी होने वाली बहू है, इस किस्म की बात करोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, वो पढ़ी लिखी लड़की है, बाहर से आई हुई है, उसके तो स्टाइल ही अलग होते हैं ना। अब ये थोड़ी पर्दों में बिठा के बोबो बना ले। अरे भाई, वो शमसा वैसे ही तबस्सुम के मुंह से निकल गया, वो ये नहीं कहना चाह रही थी। ठीक है भाई, वैसे भी हम बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ करना हमारा फर्ज है। और आपकी लड़कियों के भी नसीब अच्छे होंगे, इंशाल्लाह उनका भी जल्द कहीं हो जाएगा। चले भाई, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सारी जिंदगी हमें आसरे में रखा कि हमारी लड़की का रिश्ता लेंगे, और जब शादी का वक्त आया तो आधा किलो मिठाई का डब्बा लेकर आ गए कि मेरे बेटे का रिश्ता तय हो गया। आपको क्या लगता है कि रिश्ता रातों रात हुआ होगा? नहीं, राजो न्यास की बातें चली होंगी, इश्क मोहब्बत चले होंगे, तभी शादी तक बात पहुंची है। कितना बेवकूफ बनाया है पुप्पो ने हमें। वैसे आप लोगों को किस बात का अफसोस है कि वो आधा किलो मिठाई लाए या रिश्ता झूठे पर? देखनी आप अम्मी से, इसे देखकर कहीं से लग रहा है इसका रिश्ता टूटा है? आप ही किस चीज का हम गम मनाए? वो रिश्ता जो कभी कायम ही नहीं हुआ था, वो रिश्ता जो सिर्फ ख्वाबों में था और बस टूट गया। भाई हम कर भी क्या सकते हैं, लड़की वाले हैं, किससे शिकवा करें? लड़की वाले हैं तो क्या हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? नहीं अम्मी, मैंने सोच लिया कि मैं बड़े ताया से जाके शिकायत करूंगी फूफो की। मैं कहूंगी कि फूफो से कहें कि अपना फैसला वापस लें, हमें मंजूर नहीं है। क्या कहेंगे? हाँ, कि हमारी लड़की हम पे बहुत भारी पड़ रही है, आए और आके उसी ले जाएं यहाँ से। वैसे आप ही, गलती ना आपकी है, आपने हम सबको यकीन दिलाया था कि फूफो रिश्ता मांगने आ रही है। ऐसे ही ख्वाबों का अम्मी और अबी खुश हो गए थे। वाह, किसी ने खूब कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आजकल के जमाने में नेकी करने वाला नेकी करने के बाद खुद भी दरिया में जाके डूब मरे। अभी वो लुबना का वो मतलब नहीं था। तुम क्या इसकी अलची लगी हुई हो? ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था? अम्मी बहुत बिगाड़ दिया आपने इन दोनों को। अब इतना शोर शराबा करने से क्या फायदा है तबस्सुम, क्या हासिल होगा? बस रहने दो अब। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। आप और अभी सारी जिंदगी चुप रहे ना अम्मी, देख लिया कितनी नाइंसाफियां हो रही हैं आपके साथ चुप रहने की वजह से। ये दुनिया है ना, चुप रहने वालों को दबाती है। अच्छा खैर, अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। अल्लाह ही मालिक है। लेकिन जरा सी परवाह नहीं ऐसे। अरसलान वसीम। वो तो तुम बहुत स्मार्ट, लेकिन मेरा तो रिश्ता होते होते खत्म हो गया। मगर मेरी बहन के साथ कुछ बन जाए तो शायद अम्मी और अब्बा की टेंशन खत्म कर सकते हो तुम। Let me check more. Nice. कितनी डरपोक हो तुम, ऐसे क्या कर रही थी? हाँ, वो मैं अपने फेसबुक पे किसी और की प्रोफाइल चेक कर रही थी।
अल्लाह अस्तगफर अल्लाह, कितनी गलत बात है किसी की प्रोफाइल चेक करना, शर्म करो। क्या गलत बात है, जब अपनी लाइफ इतनी बोरिंग चल रही हो ना, तो किसी और की लाइफ में झांक के थोड़े मजे ले लेने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, एक तो गलत काम, ऊपर से गलत बात भी। क्या, मैंने तो जो दिल में आया वो बोल दिया, अब मैं अपनी सगी बहन से भी अपने दिल की बात नहीं कर सकती क्या? जी जी, ज्यादा ड्रामे बंद करें, ये कपड़े समेटना शुरू करें, जल्दी करें, थोड़ी हेल्प तुम भी करवा दिया करो। ठीक है जी, मैं भी करवा देती हूँ। थैंक यू। वो मैं तो दूध चूल्हे पर रख गई, मैं देख के आती हूँ, तुम जल्दी से काम खत्म करो। कितनी बड़ी काम चोर हो तुम, इस घर के काम सारे काम बस मुझे ही करने होते हैं। हम कुछ लिए भी लो, हम कब से घूमते जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ में आए तो खरीदो ना कुछ, वहां से कुछ नहीं लेते। ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ लेते हैं। मुझे कुछ लेने नहीं, क्या देखो यहाँ पे मेरे लिए, कुछ देखो ना प्लीज। ना क्या लूँ मैं यहाँ से, अब तुम देखो मैं आती हूँ। हाँ अब आ रही हूँ, मतलब कहाँ जा रही हो? आप प्लीज घबराए नहीं, मुझे लुबना ने बुलवाया आपसे मिलवाने के लिए। लुबना ने? लेकिन क्यों, आपको लुबना का किस पता? लुबना को आपको किस, आप मैं चलती हूँ। बस नहीं, असल में मैं आपके ऑफिस में अपना कार्ड रख के गया था, वो बस लुबना को मिला और उसने मुझे बुला लिया यहाँ आपसे मिलवाने के लिए। शादी करेंगी आप मुझसे? आपके घर में आपकी फैमिली नहीं है क्या? जी, क्या मतलब है? तो फिर उनको भेज दीजिए। अल्लाह की कसम, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, पहली मुलाकात में प्रपोज कर डाला। वैसे जल्दी का काम शैतान का होता है। क्या भूल बातें कर रही हो, तुम्हें नहीं पता ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं, शादी के नाम पे सब भाग जाते हैं। और अगर भाग गया तो? हाँ तो भाग जाए, मैंने कौन सा उसके सब कोई चक्कर चलाना है। थोबा थोबा, मैं ऐसे थोड़ी ना बोल रही हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसलिए तुमसे मिलवा दिया। और हो सकता है वो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा हो, जिसके बारे में तुम डायरी में नजलें और गजलें लिखती रहती हो। भूल बातें बंद करो, घर चलो, फिर बताती हूँ। चलो। अरसलान, पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हो, क्या बात है, किन सोचों में गुम हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उस फरिया के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? मम्मी प्लीज, फरिया मेरा माजी बन चुकी है, अब उसके बारे में बात मत किया करें आप मुझसे। देखो मेरी एक बात याद रखना, ये जो इश्क मोहब्बत प्यार व्यार जो भी चीजें होती है ना, ये शादी के बाद ही अच्छी लगती है। और जो शरीफ लड़कियां होती है ना, उनको जेब नहीं देता है कि वो शादी से पहले नैन मटक्का करती फिरें। मम्मी मैंने आपसे कहा ना, हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, अब उसे कोसना बंद कर दें आप प्लीज। ठीक है भाई, ठीक है, खो जाती हूँ मैं खामोश पे। ये छोटी छोटी बातों पे नाराज क्यों हो जाती हैं? अच्छा I'm sorry, आप बोल लें, आपको उसको जो भी बोलना है। बिल्कुल बोलूंगी मैं, उस डायन के बारे में मैं पेट भर के बोलूंगी। जाहिर सी बात है, मेरे अरसलान का दिल जो तो खाया है उसने। अच्छा सुनो, अब यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, चलो नीचे मेरे साथ। आप चले, मैं आ रहा। Thank you.
शुक्रिया बेटा। सामिया बेटा बात सुनो, अपने अब्बी से बात नहीं करोगी? अब उदास तो नहीं है? उदास किस बात पे बेटा? अभी आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन देखो बेटा, अगर उदासी ना हो तो खुशी का अंदाजा कैसे होगा? और वैसे भी गलती सरासर हमारी है। मैं शमसा पे ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठा था। वो क्या कर सकती है, वो अपने भाई के साथ नहीं अपने बेटे के साथ रहना चाहती है। देखो ये सरासर जो बुनियादी जड़ है ना इस सब की, वो ये मखलूक महफिले, लड़के और लड़कियों का इस तरह इकट्ठे मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या शर्मो हया की जिम्मेदारी खवातीन की होती? बेटा लफ्ज़ औरत जो है उसकी बुनियाद लफ्ज़ औरा है, और औरा के माने छुपे हुए और पोशीदा के हैं। इसलिए जब तक औरत जो है वो पोशीदा और छुपी हुई रहती है उसकी इज्जत कायम रहती है, और इसी बुनियाद पर पर्दा करने की भी हिदायत दी गई है। तो फिर मर्द ऐसी औरत का इंतखाब क्यों नहीं करते? मर्दों की अकल पर भी तो पर्दा पड़ सकता है। तलहा की अकल पर पर्दा पड़ गया था? नहीं, पर्दा तो शायद हमारी अकल पर पड़ गया था। कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा बैठा। इतनी उम्मीदें अल्लाह से लगाई होती तो हालात मुख्तलिफ होते। अब चाय पिए, मैं रख गया था। अम्मा नाश्ता। जैन स्कूल गया? जी चला गया। बैठो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। तुम तो ऐसा दूर भागती हो जैसे मैं तुमसे उधार मांग लूंगी। तुम्हारे अब्बा ने तो आज तक अपने इकलौते दामाद को उधार नहीं दिया, तुम भला मुझे क्या दोगी? अभी कोशिश कर तो रहे अकबर की नौकरी की। वैसे आप अनवर भाई से बात क्यों नहीं करते? इतने पैसे वाले हैं, अकबर के कजन हैं, कजन भी तो भाइयों की तरह होते हैं, नहीं? 30-40 लाख उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? अकबर को कारोबार के लिए नहीं दे सकते क्या? महीने का आधा खर्चा वही भेजता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे मियाँ को अपनी जिंदगी में ये मकान बना गए थे, वरना अकबर कहाँ इस काबिल था। मुझे क्यों सुना रही हैं? बेहतर होगा अगर आप अपने साहबजादे को ये सब समझाएं। मुझे सयाने कह गए हैं कि मर्द के नसीब से औलाद और औरत के नसीब से पैसे आते हैं, लेकिन तुमने क्या दिया? दूसरा बच्चा तो पैदा कर ही नहीं सकी तुम। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, अकबर को चाहिए कि दूसरी शादी कर ले। मेरे बच्चे को साहिब हैसियत घराने से बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है। तुमसे शादी करके उसको क्या मिला? आपकी अम्मी ने आपके लिए लड़की ढूंढी है, कर ले दूसरी शादी। तो बस हम मेरी दवाई लाए, रात को पर्ची दी थी ना तुम्हें मैंने, वो मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, थे नहीं ज्यादा इसलिए खरीद नहीं सका। पहले बताना था ना। ये लो, ऐसा करो 2000 की दवाइयां आएंगी, बाकी पूरा। अम्मा नहीं नहीं ऐसे मत बात किया करो ना, तब तुमसे तो बैठक कह रही बैठ।
मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए, और एक तू है, दूसरी कप चाय पिएगा ना तो पहले बीवी से पूछेगा, वो तेरी माँ नहीं है, मैं हूँ तेरी माँ, समझे? अम्मा मुझे एक बात बताओ, कौन सी बात है जो आज तक मैंने तुम्हारी नहीं मानी? और तबस्सुम हर काम खुशी खुशी करती है, कभी नाक भवे नहीं चढ़ाई, तुम फिर भी उससे खुश नहीं होती हो, क्या करे वो? मजा नहीं है उसकी कि मेरे किसी काम को भी वो मना कर जाए। मैंने ऐसा नहीं कहा अम्मा। अच्छा बस ले जा, नहीं खाना मैंने। अरे अब इस तरह तुम मुझे अजियत का शिकार मत करो, सेहत गिर जाएगी तुम्हारी, खत बीमार पड़ जाओगी। नहीं ये लो खाओ, मेरे हाथ से खाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं खाओ। आ, आ, शाबाश। देख अब चापलूसी ना कर तू, अभी भी वक्त है, दूसरी शादी कर ले। देख तेरी ताए की बेटी को ना तलाक हो गई, ये घर आ गई है, वो करोड़ों की जायदाद की मालिक है, माल के साथ साथ अल्लाह तुझे दूसरी औलाद भी अता करेगा। इस औरत ने क्या दिया तुझे बता? इतना नमक डाला ना इसने अंडे, मर ही जाऊं। आधे से ज्यादा अंडा तो तुम खा गई, अब कह रही हो नमक ज्यादा। पता नहीं तेरे हाथ में नमक था, मैं खा रही थी तो उस वक्त नमक नहीं था, तूने खिलाया तो मुझे जहर लगा। तनी सुबह सुबह कौन नाजिल हो गया इस वक्त? स्वामी तुम अंकल 5480 रुपए खुले लाइएगा। 5480 रुपए किस बात के? आपके घर से कपड़ों का ऑर्डर है, जल्दी करें, आगे भी जाना है। हमें भी चाहिए, वापस ले जाओ। बाजी ने ऑर्डर किया, आप उन्हें बताएं तो सही। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? वो बाजी, मैं अंकल तुम्हें शक्ल से बूढ़ा नजर आ रहा हूँ मैं। यार अंकल टाइम खोटा मत करो, जल्दी से पैसे लाओ, बहुत ऑर्डर देने हैं। चलो चलो निकलो यहाँ से। अगर पैसे नहीं दे सकते तो ऑर्डर क्यों करते हो? चाहते हो या दो एक का? ने घर की औरतों को तो काबू में रख नहीं सकते, बगैर पूछे ऑर्डर कर देती हैं, और आगे से हमें कहते हो कि जबान काबू में करो। चलो दफा यहाँ से। सामिया, आपकी उनकी कॉल आ रही है, लो बात करो। मैं क्या बात करूंगी, तुम बात करो ना। शराफत से बात करो, नहीं तो अभी तुम्हारा नंबर दे दूंगी मैं। मैं नहीं बात कर सकती, तुम बात करो। हेलो, सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। आपका फोन स्पीकर पे है, और इस कमरे में मौजूद खातून मतलब लड़की आपको सलाम पेश कर रही है। वालेकुम सलाम। वैसे सलाम का जवाब ये खुद भी दे सकती थी। लुबना इनको कह दो कि हम फजूल लोगों से बातें नहीं करते। लुबना आप भी इनसे कह दे मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। कर दो ना बात, तुम काट दो। क्या? हेलो, वैसे सामिया पूछ रही है कि आप रिश्ता कब लेके आ रहे हैं? अगर आप कहें तो आज ही अपने पेरेंट्स को भिजवा दूं। अभी तो सामिया शर्मा रही है, लेकिन आज तो नहीं, आज तो मैं खुद भी बिजी हूँ, तो आप ऐसा कीजिएगा कि संडे संडे को ले आइएगा। बाय। बहुत फजूल हरकतें करती हो तुम। क्या फजूल हरकत? एक तो तुम्हारी बात पक्की करवा रही हूँ, ऊपर से मुझ पे ही गुस्सा हो रही हो। कभी मेरे हाथ में भी दो पैसे रख दिया करो, कुछ हो नहीं जाएगा। मम्मी कोई केस तो जीतने दे पहले। ये 5480 रुपए के कपड़े तुमने मंगवाए थे? नहीं। हाँ मैंने मंगवाए थे। मगर किससे पूछकर? क्या हो गया पापा, मंगवा लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ऑनलाइन एक जोड़ा अच्छा लग गया, बस मैंने मंगवा लिया। तुम देख रहे हो तुम्हारे बाबा किस कदर मेरी जिंदगी मुश्किल की हुई है इन्होंने।
वैसे वो जोड़ा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? वापस कर दिए मैंने। क्यों? मैंने इस घर के अंदर कोई तेल का कुआं नहीं खुदवाया हुआ है कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम शॉपिंग करती रहो। अरे इतनी शॉपिंग तो तुमने अपनी शादी के वक्त नहीं की थी। वाह वाह वाह, जैसे शादी के वक्त तो आपने मुझ पर लाखों रुपए लुटाए थे। अरे अल्लाह अल्लाह करके हमारे हालात अच्छे हुए हैं, ये तो अल्लाह जिंदगी दे मेरे बेटे को, वही है जो मेरे सारे शौक पूरे करता है। क्या हो गया पापा? मम्मी को अपने शौक पूरे करने दिया करें, आजकल 5,000 की हैसियत ही क्या है। अगर इसी तरह तुम्हारी माँ शॉपिंग्स करती रही तो एक दिन हम सब के सब सड़क पे आके रह जाएंगे। ये मनहूस डिलीवरी वाले को भी अभी आके मरना था। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। आप दोनों चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं। तैयारी कर लें, आप लोग एक जगह मेरे रिश्ता लेकर जा रहे हैं। सामिया सुनो, सुबह की मीटिंग कैसी रही? मैं लेट हो गई यार आज। अच्छी थी आज तो, मुझे सर भी बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। सुबह सुबह तुम्हें देख लिया ना उन्होंने, इसलिए खुश तो होंगे। शट अप, इसे कहते हैं लंबी उम्र, नाम ले और हाजिर हो गए। अच्छा ये मंजूर साहब बार बार पलट पलट के तुम्हें क्यों देख रहे होते हैं? अभी तुम देखना तुम्हें कैसे पलट के दिखेंगे। एक काम करते हैं, 10 तक गिनती गिनती हूँ, तुम देखना कितने पलट के दिखेंगे। 1, 2, 3, 4। ये था क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। जितनी हैरत आपको हो रही है ना उतनी ही मुझे। पता है तुम्हें, कल रात शेख साहब ने अपनी बेटी के लिए हमारे अरसलान का रिश्ता मांगा है। शेख साहब क्या कह रहे हैं आप? हाय अल्लाह, शेख साहब तो बहुत मालदार फैमिली है। सिर्फ मालदार? अरे सिर्फ कराची में उनके 3-3 बैंगलोर हैं, जिसमें से एक बैंगलोर जो है वो अपनी बेटी को जहेज में देना चाह रहे हैं। वसीम आप बस हाँ कह दें। क्या खाक हाँ करूं? तुम्हारे बेटे ने तो अपना फैसला सुना दिया। एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा वसीम साहब, ये जो आपका अरसलान है ना, ये बिल्कुल अपने चचा पे गया है, दिल फेंक आशिक, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अरे मट्टी डालो सारी बातों पर, सिर्फ इसी तरह ये मालूम कराओ कि वो लड़की कौन है। छोड़ दें आप मुझ पर, ये पता लगाती हूँ कि वो लड़की है कौन। मुझे तो बेचारी सामिया और लुबना पे बड़ा ही अफसोस होता है, दोनों को लग रहा है जैसे सारा कसूर उन्हीं का हो। मुझे आपकी और अब्बी की समझ नहीं आती, तालीम के नाम पर दोनों को बिठाने की क्या जरूरत थी? आदि हो गई है वैसे अम्मी, आजकल तो रिश्ता होने के बाद भी 3-4 साल लग जाते हैं शादी होने तक, ऊपर से अपनी सामिया, उस बेचारी की तो उम्र भी निकले जा रही है, लुबना की तो फिर भी अभी खैर है। हाँ इसी बात की तो फिक्र खाए जा रही है मुझे। ये रिश्ते वाले माँ बाप की नजर से नहीं देखते लड़की को, कसाई की नजर से देखते और परखते हैं। हाँ शायद ऐसा ही हो। अम्मी सामिया से पूछे ना, हो सकता है उसे कोई लड़का वड़का पसंद हो। नहीं अगर ऐसी बात होती तो मुझे बताती जरूर। आज ऑफिस से आ जाए तो दोबारा पूछेगा, हो सकता है बता दें। ठीक। अम्मी वो सगीरा दादी ने जो वजीफा दिया था पढ़ने के लिए, वो पढ़ रही है क्या? हाँ हाँ रोज पढ़ती हूँ, हफ्ते को खत्म हो जाएगा। बस कह रही थी कि जैसे ही वजीफा खत्म होगा ना रिश्तों की लंबी लाइन लग जाएगी। अल्लाह करे। बस अम्मी सब नसीबों के खेल हैं। अरे अल्लाह कहाँ से ये कच्ची तोरियां उठा के लेकर आ गई हैं आप? मैं खुद ही कर लूंगी, रहने दो तुम। आप ही कर लें, ससुराल में भी काम करो और मैं क्या आके। बस फिर क्या था,
भरी अदालत में औरत ने शौहर को थप्पड़ मार दिया। शुक्र करें सही वक्त पे वुमन पुलिस आ गई, तब जाके काबू आई है वो। लो जी जरा चेक कर लो औरत की जुर्रत। वैसे ही सब कयामत की निशानियां हैं। और वो शौहर जो उसको दिन दहाड़े मारता था वो किस खाते में जाएगा? जाहिर सी बात है ना, औरत की जबान नहीं रुकेगी तो बर्द का हाथ तो उठेगा ना। अब हमें ही देख लो, हम तो बस सारी जिंदगी अपनी किस्मत को ही रोते रह गए। कभी कभार बस भी कर दिया करो फातिमा, और तुम पे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गया ना मेरा बेटा। जी बस आ जाने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या मतलब, कैसी गुड न्यूज? वो तुम्हारे पापा ने ना तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी है, पता है बहुत अच्छे घराने से है, खाते पीते। इतनी अहम बात आप लोग ने मुझसे छुपाई? अभी बता रहे हैं ना, लड़की इसके लिए पसंद की है, तुम्हारे लिए नहीं। पापा मैं आपको बता चुका हूँ मुझे एक लड़की पसंद है। कौन है लड़की? ज्यादा तो नहीं जानता, बस उस दिन शादी में देखा था उसे। कोई दर मिले जो दर दे, दिल की दवा दे।